बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी, उनके पास इसके अलावा बचा क्या है। बजट और गजट दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछली सरकारों ने अगर गजट ही सही से किया होता, नीति सही बनाई होती और बजट ही सही से पारित किया होता तो जनता उनसे दूर क्यों होती। आज के दिन में हम जनता के किए गए वादों पर, जनता के भावनाओं के अनुरूप, देश के विकास के लिए और जनता को जो चाहिए उसके लिए जो वादा किया गया है उसके लिए आज के दिन में बजट की आवश्यकता होती है, जिसे बजट पास हुआ और उसे हम लोग समर्थन करते हैं। आज ही विपक्ष से पूछता हूँ कि जब उनके हाथ में सत्ता थी 67 साल, तो निषाधों को 3,000 करोड़ रुपया दिया, और जब हम आए तो आज मछुआरों के हितों के लिए 41,500 करोड़ रुपया पहले दिया, फिर 1,500 पिछले बार, अभी 2,352 करोड़ इस साल। तो ये बजट में होता कि प्रावधान कम, किसकी चिंता करते हैं, कैसे उसको विकास के क्रम में लाते हैं, तो ये सब होता है विपक्ष का आरोप मिला था। रिजिजू का कहना है कि अपोजिशन जो है बजट पर डिसीजन न करके बाकी चीजों को कर रही है, मोदी जी को मैंडेट मिला हुआ उस मैंडेट का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, बजट पर डिसीजन करें। बजट पर कुछ बोलने के लिए हो तब अपने ही बजट को ये देख लें, 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, एसटीएससी को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया, एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए हैं, कहाँ 5 था, तो बजट पर क्या है, हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हेल्थ के लिए नहीं है, जब मनरेगा के लिए नहीं है, जब एजुकेशन के लिए नहीं है, ओबीसी एसटीएससी के लिए कुछ नहीं है, तो बजट पर क्या चर्चा करेंगे। तो यही ना, बजट पर जो आप नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, मैंडेट मिलने का स्वस्थ आलोचना तो होनी ही चाहिए और सुनने की भी आदत रखनी चाहिए। जब आप 50 साल पुरानी बात करते हैं और आप गाली गलौज करते हैं और मजे में आप सदन में आप विपक्ष को आप बिल्कुल मजाक बनाते हैं, तो आप क्यों डरते हैं। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा, हमाम में तो सब नंगे हैं ना, हो हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो इस सदन में टीट फॉर टैट जैसे को तैसा, आप इस सदन को अगले वाला सदन आप समझ लिए हैं, आप नहीं समझिए ना, इसको आप मान के चलिए मजबूत परिपक्व शालीन संघर्षशील विपक्ष के लिए देश ने मैंडेट दिया है। आपको मैंडेट नहीं दिया, आपने जबरदस्ती मैंडेट लिया है।